नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस बुलेटिन की शुरुआत तब बच्चा चोर गिरोह की अफवाह की खबर के साथ, जहां पर बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों ने मांग कर जीवन यापन करने वाले सपेरा समाज को पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया है। जी हां, सपेरों का कहना है कि जब हम किसी गांव में मांगने जाते हैं तो लोगों में बच्चा चोर समझ पीटने लगते हैं। भीख ना मिलने से परेशान सपेरों ने कन्नौज डीएम कार्यालय के सामने बीन बजाकर रोजगार देने की मांग की है। कन्नौज के कई गांव में सपेरा समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। सावन में ये नाग दर्शन कराकर अपना गुजारा करते हैं। साल के बाकी महीनों में गांव गांव जाकर भीख मांगकर परिवार पालते हैं। लेकिन 2 माह से उड़ी बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों ने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो सपेरों का रोजगार छिन गया है और डीएम के आगे बीन बताते बजाते हुए नजर आए हैं और अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर भी बैठे हैं। आप देखिए, इनके भी छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। बच्चा चोरी की अफवाह पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में, जिलों में हो रही है और इसलिए देखिए ये सपेरे बीन बजाकर डीएम के आगे बीन बजाए हैं और अपनी समस्याओं को बताया है। सपेरों को बच्चा चोर समझकर अफवाह की वजह से कई बार मारा पीटा जा रहा है और इनमें रोजगार की इनके लिए अब समस्या आ गई है। और अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अंकित, ये अजीब समस्या है सपेरों की भी, अगर बजाएंगे नहीं तो रोजगार नहीं चलेगा, पेट नहीं पलेगा, लेकिन बजाएंगे तो कहीं अफवाह के डर से पीटे ना जाए। अंकित जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।